सोहे दी पोकेमोन डिनर्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन सोनी सिल जीबी जिगेंटमैक्स हंटिंग के इस नए एपिसोड में। और गाइस आज के इस वीडियो के अंदर भाई हम लोग पकड़ने वाले भाई तड़कती फड़कती पोकेमोन्स को भाई, जो कि हैं मेगा इवॉल्व होवेन स्टार्टर्स। और उसके अंदर आते हैं मेगा सेप्टाइल, मेगा स्वाम्पट एंड मेरा फेवरेट मेगा ब्लेजिगेन। उन तीनों में से, ठीक है, उन तीनों में से मेरा फेवरेट मेगा ब्लेजिगेन है। एंड आप लोगों का कौन सा भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, लेट मी नो कि आपको कौन सा ज़्यादा सबसे पसंद है। मेरे को तो भाई मेगा ब्लेजिगेन मैंने बता दिया, आप लोगों को कौन सा मेरे को बता दियो कमेंट करके भाई, जानने में मेरे को इंटरेस्ट है, ठीक है, बताना जरूर कमेंट करके। एंड आप लोगों को भाई पकड़ना है तो आप लोगों को भाई आइल ऑफ आमा के अंदर रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये पंछी है ना, पंछी की सवारी करो भाई, पंछी बनो उड़ता फिरो मैं मस्त गगन में, ऐसा कुछ तो गाना मैंने सुना था जिसका एक दो लाइन मेरे को याद रहता है, बाकी सब मेरे खोपड़ी से बाहर रहता है और उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब बताओ भाई यहाँ पे पानी के ऊपर चलने के लिए मेरे को किसी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है, सो मैं मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कुछ नहीं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एंड लेट्स यूज सम रिपेल, अगर वो नहीं यूज़ करोगे फिर तो जो काम करने में तुमको 2 मिनट लगेगा ना उसको करते करते 5 मिनट हो जाएगा। मैंने कुछ कम ही बोल दिया भाई, ये रहा रिपेल, ओके 5 मिनट में 5 ही रिपेल बचा भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाइसाइकिल वगैरह नहीं है क्या मेरे पास, फालतू में भाई चल रहा हूँ ऐसे रोड पे पाव गंदी करते करते। ये रहा ना रोटम साइकिल, वहाँ उठ के साइकिल से चलेंगे भाई, बचपन में मेरे को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, सच में बहुत शौक था, बट ड्यू टू एक्सीडेंट्स मेरे को कभी साइकिल मिला नहीं। या भाई मतलब फैमिली में जब भी बोलूँ आई वॉन्ट साइकिल, बेटा रोड पे बहुत एक्सीडेंट होता है, नो साइकिल प्लीज़, डोंट टेक साइकिल, टेक माई कार बट डोंट टेक साइकिल। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी कार, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो नहीं है, बट मेरे गांव के अंदर भाई हमारी खुद की कार है। बट फ़ायदा क्या यार, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे है ही नहीं, तो मेरे को मतलब मेरे को कभी उस चीज़ का मज़ा मिला नहीं। एंड जो चीज़ मेरे को चाहिए था भाई साइकिल, मतलब साइकिल का भाई अलग ही क्रेज़ था बचपन में, एंड वो क्रेज़ भाई मतलब मिला नहीं यार, दिल टूट गया था, बट चलता है यार, फैमिली में सब चलता है, चलता कुछ नहीं है, सब चलाना पड़ता है, आप लोग को भी पता है। एंड यहाँ पे भाई पहले हम लोग भाई मेगा स्वाम्पट को पकड़ेंगे, बट कोई भी पोकेमोन को पकड़ने से पहले उसको थोड़ा होले होले करके भाई, समझ रहे हो ना, होले होले करके धोना पड़ता है, उसके बाद ही वो आता है भाई, उसके पहले तो आ ही नहीं सकता ना भाई। वो लोग ने कसम खा के रखा है कि पहले भाई हम लोग उंगली करेंगे, फिर उंगली करने के बाद थोड़ा फिर उंगली तोड़ेंगे, फिर खुद ही तुड़वा के आ जाएंगे तुम्हारे पास, सीधी बात। ओके ये प्रोटेक्ट भी करता है बट फ़ायदा क्या, 180 हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक अटैक में चलता ना बने, वरना भाई पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे मैंने गेम को सेव नहीं किया अभी तक, लेट मी सेव माई गेम, अभी करने दो, ठीक है, अभी मैं करके मिलता हूँ आप लोग से, टेंशन नॉट। ओके भाई लोग यहाँ पे गेम हुआ को मैंने कर दिया सेव। एंड अब की बार इस चपड़गंजू के लिए ये किधर से टपक गया वे, चलो चलेगा मैक्स गेसर ये, ओ ओ, ओ, ओ एक मिनट, दिस अटैक इज डूइंग नहीं गिविंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गिविंग ही बोलते ना, गिविंग सो मच डैमेज बोलते ना, डैमेज। ओके हम लोग डैमेज बोलेंगे आज से, ओके डैमेज। अभी इसके पास ना ऐसा कोई भी नन्ना मुन्ना अटैक नहीं जिससे फेंड ना हो, वैसे मैंने गेम को सेव किया है तो आई डोंट है, ओहो ओहो क्या बात है बड़ू, इतना अच्छा भाई, मतलब इतना अच्छा अटैक मारा यार, 1-2 HP भी बच गया। अब एक पोकेबॉल के अंदर तो जाहिर सी बात नहीं आएगा, चाहे ग्रेट बॉल ही क्यों ना हो, बट आ तो जाएगा, ओ दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में आ जाएगा यार, सब्र करो, सब्र का फल मेगा स्वाम्पट मिलेगा, तो सब्र कर सकते हैं हम लोग, सच में सब्र कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को भाई मेरे बचपन की कहानी बता रहा था ना, मेरे को साइकिल नहीं मिली यार। देखो जब भी मैं घर पे मतलब साइकिल की बात करता था तो सब लोग एक साइड हो जाते थे एंड मैं अकेला हो जाता था, एंड सबका एक ही पॉइंट था कि रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते तो हम तुमको साइकिल लेके नहीं दे सकते। एंड उस टाइम पे मेरे को थोड़ा मतलब जानते यार बच्चे लोग का थोड़ा खोपड़ी सनक जाता है, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था, बट जब भाई मैं शांति से सोचता था कि भाई घर वाले ऐसा क्यों करते मेरे साथ, तब मेरे को ये रियलाइज़ होता था कि भाई मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। एंड सच में भाई रोड्स पे एक्सीडेंट का मतलब क्या ही बोलेंगे भाई, चलते चलते लोगों मतलब लोगों का एक्सीडेंट हो जाते तब साइकिल की तो बात ही छोड़ दो भाई, आजकल के माहौल में भाई। अब मेरे को ये बात मतलब काफ़ी सही लगती है कि मेरी फैमिली वालों ने भाई मेरे लिए इतना सोचा एंड मेरे को बाइसाइकिल लेके नहीं दिया। मैं भाई अभी मेरे को समझ में आ रहा है भाई क्यों नहीं लेके दिया, अगर सच में मैं खुद से बताऊँ ना, अगर मेरे पास बाइसाइकिल होती तो सच में मेरा कुछ ना कुछ तो ज़रूर टूटता भाई, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि
आई एम सुपर, सुपर से थोड़ा नीचे, ज़्यादा नहीं सुपर से थोड़ा ही नीचे, शरारती बच्चा भाई समझ ही जाओ भाई, अलग ही क्रेज़ आता है। स्पीड तो, स्पीड नाम का सब तो आप लोगों ने सुना होगा भाई, वो तो हमारी जान है। एंड बाइसाइकिल हो, बाइक हो और स्पीड ही ना हो तो फिर उसका मतलब ही नहीं है। एंड अब मेरे को पता है भाई, अब मेरे को इस बात पे गर्व है भाई कि मेरी फैमिली वाले समझदार हैं एंड उन्होंने मेरे को साइकिल लेके नहीं दिया था। काफ़ी गर्व है भाई मेरे को इस बात पे, अच्छा हुआ भाई वो लोग ने मेरे को साइकिल लेके नहीं दिया था। मैं क्यों भटक रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं भाई, स्टोरी टाइम के लिए अलग वीडियो चाहिए क्या आप लोग को? नहीं, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आप लोग को बताने में, क्योंकि आप लोग को सुनने में नहीं होगा तो बताने में मेरे को क्या ही इंटरेस्ट रहेगा। वैसे मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे, बट भाई मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, अभी रहने तो कुछ नहीं बताऊँगा, उधर से टपक लो एक मिनट भाई। ये ना काफ़ी कन्फ्यूजिंग मेरे लिए थोड़ा सा भाई, मैं स्टार्टिंग में यहीं से गया था ना। ओके अब सही है। सो गाइस देखो, एक ही सिंगल बात है भाई कि मैं बचपन में साइकिल चाहता था, बट ड्यू टू एक्सीडेंट्स जो रोड पे होते हैं उसकी वजह से भाई मेरी फैमिली ने मेरे को सख्त मना कर दिया था कि नहीं मिलेगा। एंड चलो मैंने आपको बता ही दिया। एंड आप लोग के साथ ऐसा क्या हुआ है, मतलब कि कुछ तो हुआ होगा भाई। फॉर एग्जांपल किसी को वीडियो गेम चाहिए होगा तो उसने बोला कि पप्पा पप्पा मेरे को वीडियो गेम मांगता है, दिलाओगे क्या? पप्पा ने बोला होगा बच्चा पहले जाके एग्ज़ाम में टॉप कर फिर देखो वीडियो गेम क्या सुपर वीडियो गेम में ला के देगा, बट वो टॉप करना उसके बस की बात है ही नहीं, तो किधर से मिलेगा वीडियो गेम? सही बात बोलो ना, मैं भाई सही बात बता रहा हूँ, टेंशन नॉट। मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ ये सीन, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, टेंशन नॉट। आई एम एक्सपीरियंस गाय, मेरे पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है इसके लिए मिलता है। ओके भाई बातचीत बहुत हो गई, पकाऊ चंद बातें बहुत हो गई, मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ भाई। यहाँ पे भाई पहले हम लोग ने मेगा स्वैम्पर्ड को पकड़ लिया है, एंड अभी हम लोग को पकड़ना है एक और मेगा पोकेमॉन जो कि है भाई स्टार्टर, बट वो किस में है वो एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ फिर आप लोग को लेके चलता हूँ ना भाई, मेरे को खुद को याद नहीं भाई, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है बहुत सारे ना, इसके लिए पहले मैं चेक करता हूँ एंड उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? सो गाइस यहाँ पे देख लो, अभी हम लोग ने भाई मेगा स्वैम्पर्ड को पकड़ा था, एंड अब की बार भाई हम लोग को पकड़ना है मेगा ब्लेजिगेन, तो लेट्स गो एंड कैच हिम। मेरा फेवरेट मेगा इवोल्यूशन वाला पोकेमॉन जो कि जो आज हम लोग तीनों पकड़ने वाले तीनों में से। एंड वैसे भी मेगा इवॉल्व फेवरेट में बात करें तो भाई लेजेंडरीज की बात भाई मेगा ब्लेजिगेन इस बेस्ट फॉर मी, एंड काफ़ी सही दिखता है भाई, काफ़ी मतलब लुक देख तो बंदे की लुक देखो भाई, काफ़ी मतलब एक इंसान जैसा पोकेमॉन लगता है भाई, खड़ा रहने का स्टाइल, हाथ से जो उसकी निकलते ना भाई रेस फायर वाले, वो तो एकदम ओपी सीन है भाई, एकदम ओपी, उस पर तो दिल आ जाता भाई मेरा, एकदम मतलब कमाल है भाई उसका, एकदम बढ़िया दिखता भाई ब्लेजिगेन, काफ़ी सही दिखता भाई। मेगा इवॉल्व फॉर्म में तो एकदम कतई जहर है भाई, काफ़ी मतलब बढ़िया है भाई, एकदम ओपी। एंड ये ओपी पोकेमॉन को मैं पकड़ के रहूँगा, बाकी सब आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, ये आना मांगता है, बस ये आना मांगता है। 55 लेवल का मेगा ब्लेजिगेन तू नहीं आएगा भाई, बंदे का दिल तोड़ देगा भाई, तू अपना ही दोस्त है, अपना ही चड्डी बंडी फ्रेंड बनाएंगे तेरे को, टेंशन नॉट। अपने पास चार ही साढ़े अटैक, इतना कम डैमेज दे रहा है, चलता है यार, पकड़ना ही हम लोग को, फेंट नहीं करना, फेंट करना होता तो एक ही टाइम में कर देते ना यार, समझा करो कुछ तो, समझा करो इसे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मुझे पता है मैक्स फ्लेयर में कर सकता हूँ, वैसे वो फायर है तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसको, वो खुद भी तो कर रहा है, सीधी बात ना, खुद भी कर रहा है, 4000 को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो उसको क्यों पड़ेगा भाई, चाहे तो मेगा इवॉल्व भी नहीं अभी, वो तो मेगा इवॉल्व है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वे लोग फाइटिंग टाइप भी है तो मे भी फ़र्क पड़ सकता है, बट होना नहीं चाहिए कुछ उसको। ओके चलो अब की बार थोड़ा सही सीन हुआ है, लेट मी डू बैटल इन फास्ट फॉरवर्ड भाई, स्लो में थोड़ा मज़ा कम आता है मेरे को। ओ भाई चलो अब एकदम बढ़िया सीन है, अब इसको फास्ट में पकड़ेंगे, स्लो में पकड़ने में थोड़ा टाइम बेकार होता है भाई अपना, मतलब बर्बाद होता है। एंड भाई फास्ट में करो, फास्ट में पकड़ो, चाय झड़ फेंट हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पास और भी पोकेंस है भाई। एंड अब की बार अपनी सरकार बना के रहूँगा भाई मैं, तो मेगा ब्लेजिगेन आ जा। ओ भाई थोड़ा अच्छा पोकेन है ना भाई, इसके लिए पकड़ने में टाइम लगता है, वैसे मेरा फेवरेट, इसके लिए मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ ना भाई, भड़क जाता मैं इसके ऊपर, काफ़ी कुछ बोल देता अभी तक। ओके अब भाई ये देखो धीरे धीरे आने वाला है, अभी आने वाला है, जब पोकेबॉल दो बार हिल गया ना समझ जाओ तीसरी बार होने वाला है, बस गटक के चिमॉल होने वाला है, जस्ट वेट एंड सी। अब की बार थोड़ा ज़्यादा हुआ, अब की बार मेरे को लगता है फुल एंड फाइनल हो जाएगा, आजा आजा, ओह आ गया था, लगभग आ गया था। शुक्र कर तो मेरा फेवरेट मेगा इवोल्यूशन है भाई, वरना देखो तो मैं धो देता, अभी एक अटैक मारता तो ख़त्म हो जाता भैया, बहुत हो गया अभी, हाँ तो फेवरेट है वो बात मेरे को समझ में आता है, बट अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, हद से ज़्यादा हो रहा है, फालतू पैसे नहीं है मेरे पास ग्रेट बॉल खरीदने के लिए भाई, आ जा अभी, बहुत हो गया नखड़े यार, यार एक तो इतना तगड़ा तगड़ा अटैक मत मार के भाई, धीरे धीरे अटैक मारो, इतना लो करो फिर भी नहीं आते भाई, तुम दिल क्यों तोड़ते हो भाई, तुम देख लो भाई ये लड़की माफी नखड़ा कर रहे भाई, अरे भैया
तू भाई दिमाग चाट रहा है मेरा अभी, तू अब तू हद पार कर रहा है अपनी, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, मैं मरने वाला है डूब के अभी। उसका तो मतलब वही हुआ ना भाई, पानी सिर के ऊपर जा रहे तो डूब के मर ही जाओगे ना, फिर कैसे बचोगे यार। पानी मुँह के नाक के ऊपर गया तो ही टपक जाओगे, सिर के ऊपर तक तो कहानी ख़त्म है तब तक तुम्हारी। बोलते पानी सिर के ऊपर जा रहे तब तक तो कहानी ख़त्म हो जाती है यार। बस बहुत हो गया भाई, तू फाइट अटैक मत करना, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। ओ भाई जस्ट आ गया था, जस्ट आ गया था, सच में जस्ट आ गया था। एंड अब की बार मे बी स्लो में, थोड़ा स्लो में प्लीज़ गॉड प्लीज़, थोड़ा बच्चे की जान न लियो। ओ ओपी भाई, ओपी भाई, जो काम फास्ट में नहीं हो गया वो स्लो में हो गया, देख रहे हो। दिस इज़ द पावर ऑफ स्लो मोशन, स्लो ग्रो गेम। ये अच्छा लगता है। ओके गाइस, लेट मी डू हीलिंग ऑफ माई पोकेमोन्स, क्योंकि हालत देख लो आप लोग, देख लो अभी हम लोग को पकड़ना है मेगा सेप्टाइल को, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा। मेरे को पता भाई, वो आयस के पास था, एंड जो पोकेमोन आयस के पास होता भाई वो पॉपुलैरिटी गेन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। इसके लिए वेट करो, मैं हीलिंग करा के आता हूँ, एंड उसका लोकेशन मैं आप लोग बताऊँगा, बस पहले हीलिंग कराने दो मेरे को, एंड वापस से मैं आपको यहीं मिलूँगा, क्योंकि ये जगह भाई कोई भी ढूंढ लेगा आराम से, ठीक है। तो यहीं भी मिलता हूँ मैं आप लोग से, बस हीलिंग के बाद। ओके गाइस, यहाँ पे हीलिंग कम्प्लीटेड, एंड भाई मैंने मेगा सेप्टाइल का पोल भी ढूंढ लिया एकदम बढ़िया से। ये देख लो भाई, तीनों ना तीनों के तीनों भाई एक ही जगह पे भटक रहे थे, एंड वो भटकाऊ जगह हम लोगों ने ढूंढ लिया, एंड हम लोगों ने दो को तो पकड़ लिया है। एंड अब की माँ ये तो आ ही जाएगा यार, इसमें क्या ही खास है। ऐसे जिसको कमज़ोर समझते हो ना वो भाई कपड़े फाड़ देता, पहले बता रहे उसके लिए कम मत समझो उसको, कपड़े क्यों फाड़ेगा यार, इज्जत है अपनी, इज्जत नहीं लुटाएगा, बट एग्जाम्पल दे रहा था आप लोग को अच्छे से समझे इसके लिए। ओके, इससे अच्छा अटैक तो हो ही नहीं सकता ना यार, इसको फेंट करने के लिए, बट पकड़ेंगे कैसे। अब पकड़ने के लिए तो भाई तेल पानी लगाना पड़ेगा ना भाई, समझ जाओ यार, किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा मस्का तेल पानी सब लगाना पड़ता है, एंड अगर नहीं लगाओगे फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो फिर तो भाई ऐसे ही चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूबोगे भाई, क्योंकि उसको भी मनाना पड़ेगा ना यार, चुल्लू भर पानी में कोई कैसे डूब सकता है। अगर तुम उसको मना लोगे प्यार से तो भाई हाँ बोलेगा, चल भाई तू अपना ही बंदा आ जा डूब जा मेरे अंदर, ठीक है। ऐसा सीन होता है, सबको पहले मनाना पड़ता है, तेल पानी मस्का सब लगाना पड़ता है, उसकी बाद असली काम निकलवाना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं है ये सब करना। बट मैं आपको बोलूँगा, जो काम स्लो में नहीं तो उसको फास्ट में करो, जो फास्ट में नहीं तो उसको स्लो में करो, और ये पेंट ना हो जाए बस। ओके अटैक मिस हो गया, फेंट नहीं हो ना बिड़ू, फेंट नहीं हो ना बिड़ू, बिड़ू बिड़ू बिड़ू, ओके बिड़ू एकदम बढ़िया वाला बिड़ू बन गया भाई, अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गया भाई, फेंट नहीं हुआ ये एकदम भाई, दिल जीत लिया। एक ही ग्रेट वर्ल्ड के अंदर आया था तब तो मस्का मज़ा आ जाता भाई, तेल लगाने को बोलेगा तो मैं तेल लगाऊंगा, अभी महंगा वाला भाई 500 रुपये लीटर वाला तेल लगाऊंगा, बस तू एक बार आ जा, मसाज कर दूंगा भाई त्रिपूज की, त्रिपूज मेरे को काफ़ी सही लग रही है भाई, बड़े बड़े पत्ते, मेरे को हरियाली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड फिर तो भाई मेरे को सप्ताह भी पसंद होना चाहिए, एंड मेरे को पसंद भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है, बट फेवरेट अलग होता है पसंद अलग होता है भाई, फूल सबको पसंद होते कि नहीं होते ना। अब कुछ कांटेदार लोग होंगे तो उनको फिर कैक्टस ही पसंद आएगा, बट कैक्टस भी एक टाइप का फूल है, सच में फूल है वो भी एक टाइप का, और अगर आपको कैक्टस ही पसंद आएगा तो फिर तो भाई आपकी चॉइस है वो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर फूल पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि आपको फूल पसंद आएगा, फूल में से कुछ ज़्यादा पसंद आएगा, किसी की खुशबू बहुत अच्छी होगी, कोई भाई गर्लफ्रेंड को देने के काम आएगा, तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन को अच्छा नहीं लगता यार, जो अपन को अच्छा लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा ना लगे ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए भाई दूसरा लेना ही पड़ेगा ना यार, मजबूरी में लेना पड़ेगा, इसके लिए भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो फेवरेट है वही लेंगे भाई, दूसरा भी लेना पड़ता है। मैंने आपको गर्लफ्रेंड वाला अच्छा एग्जांपल दे दिया, एंड अगर आपको उसमें नहीं समझा तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि आप इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ भाई, आप लोग इस दुनिया की हो ही नहीं, जिसको गर्लफ्रेंड का एग्जांपल समझ में नहीं आया भाई वो इस दुनिया के कैसे हो सकते हैं भाई, कैसे कैसे वो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद ही पगला आ गया हूँ। लड़की का मामला भाई बहुत खतरनाक होता है, अच्छे अच्छे पगला आ जाते हैं, देख लो भाई आप जैसा मतलब मेरे जैसा शरीफ बच्चा भाई पगला आ गया तो क्या ही बोलेंगे भाई, लड़की का नाम आया नहीं शब्द इधर उधर होने लगे, चलो छोड़ो उनको, एंड अभी जमान कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके ओके एक मिनट ओके भाई, मैंने मंत्र फूंक लिया है, एंड मेरा जो जमान ही कंट्रोल में आ गया है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, कैसा लगा, बढ़िया ही लगा होगा यार, बढ़िया नहीं लगा तो फिर लाइक कर दो, बढ़िया लगा तो डबल लाइक कर दो, एक और आईडी बना लो लाइक करने के लिए, मैं क्या बोलूँ सो ज़्यादा।
बढ़िया नहीं लगा तो लाइक करो, बढ़िया लगा तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, पहले से करके रखा जो नोटिफिकेशन बेल चेक करो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। वैसे ज़्यादा काम मैंने बोल दिया, उसमें से सब्सक्राइब करोगे तो भी चलेगा, शेयर नहीं करोगे तो एक टाइम पे चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, लाइक नहीं करोगे तो एक टाइम पे, क्या बोल रहा भाई, तीनों जरूरी है, तीनों करो यार, क्या बोलूँ, तीनों करो यार, अपनी उंगली को थोड़ा सा तो कष्ट देना है, तीनों ठोक डालो, ठीक है ठोक डालो बस और कुछ नहीं। कमेंट करके अपना फेवरेट मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन बता देना इन तीनों में से जो कि आज हम लोग ने पकड़ा है एंड मेरा फेवरेट मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना, कल मिलेंगे नहीं तो माकिन और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।